हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी छोले लिए हैं, आधी कटोरी तेल लिया है, आधी कटोरी प्याज लिया है हमने बारीक पीसा हुआ, मिक्सी में पीसा है। और ये टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। और यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया है हमने थोड़ा सा। और ये तड़का लगाने के लिए लिया है तेज पत्ता, लाल मिर्च, और ये धनिया लिया है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, अब हम उसमें तेल ऐड करेंगे थोड़ा सा, जितना हमें चाहिए उतना तेल ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, तेज पत्ता ऐड करेंगे, लाल मिर्च, और ये गरम मसाला है खड़ा। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, अब हम इसमें ये हमारा पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 मिनट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पक चुका है। इसमें हम दूसरे मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हम 2 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें छोले भटूरे के भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो नहीं है इसलिए हमने गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पकाएंगे थोड़ी देर। तो ये ग्रेवी हमारी थोड़ी थोड़ी पक चुकी है। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, छोले हमने उबाले हुए थे इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं पकने देंगे इसे, थोड़ी देर ही पकाना है। थोड़ी सी धनिया ऐड कर देते हैं। बस अब 2 से 3 मिनट पकाना है इसे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अब देख सकते हैं पक गए हैं हमारे छोले, तैयार है। अब हम उतार लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे छोले भटूरे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।